अली आज बनाएगा मेरे लिए स्पेशल नाश्ता और मैंने कहा रोज मैं आपके लिए बनाती हूँ तो आज आप मेरे लिए क्यों नहीं? उठ के मुंह भी नहीं धोया और बस अभी जो है नाश्ता बनाने का ऑर्डर मिल गया। चलो फिर बना के दिखा रहे हैं। आज बनाएगा काका चीज ऑमलेट। वो ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया है। हाफ चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काट लिया है। ये चीज अभी इसके ऊपर हम थोड़ा फैलाते हैं। सही कोई हैवी किस्म की चीज अभी जो है ना चीज ऑमलेट बन रहा है आज। ये जो बकाया चीज है इसको करते हैं इधर। तो ये तो मुझे आधा किलो चीज लग रहा है लेकिन बहुत अच्छी बात है। चीज होनी चाहिए ना, जब खा ही रहे हैं तो चीज अच्छे से खानी चाहिए। फिर क्या आधा किलो तो क्या किलो। चलो जी अब इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन ताकि ये चीज मेल्ट हो सही। तो ये है हमारा ऑमलेट जो कि फुल मेल्टेड चीज के साथ बड़े ही लश्कारे मार रहा है और पराठे। तो नाश्ता करते हैं और मिलते हैं। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और मी अली एंड उरूज हियर विद अनदर व्लॉग। या और बस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था इमरजेंसी में। आपने देखा होगा सुबह उठते ही मैंने चीज ऑमलेट बनाया। उरूज आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। गुड हो गया। तो अभी जो है हमारे इवेंट की जो तैयारी चल रही है आपको पता है वो हमें जो है ना जब तक इवेंट नहीं आएगा ये चलता रहेगा। तो अप्रैल को सुलाया है हमने और करना क्या है उरूज? अभी हमने फटाफट से जाना है टेलर के पास क्योंकि मेरा काम अभी तक हुआ नहीं है। चार चक्कर तो एमलाई के लगे, वहाँ से होना भी नहीं है। तो हमने कोई और जगह ढूंढी है जहाँ पे टेलर है, वहाँ जाते हैं और कपड़े देते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग घर आ गए थे और बस मुंह हाथ धोया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर जो है मैंने थोड़ा मौसम का इंतज़ार किया और आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों इंतज़ार किया। तो काले काले बादल छा गए हैं और मौसम मस्त कलंदर हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी स्विमिंग हो जाए ऑफिस जाने से पहले, फ्रेश हो जाते हैं और फिर निकलेंगे। सो लेट्स गो फॉर स्विमिंग और फिर आके फिर जो प्रोग्राम है वो आपको बताते हैं। अली इज ऑल सेट टू गो टू द ऑफिस और ये बड़ा देखें जरा इसका डोंगा चेक करें, इसमें हमने बनाया था। खा रहा नहीं मैं तो यही कह रही हूँ कि मैंने इसको बड़ी प्यार से ये पूरा पकड़ाया था और काका बस स्विमिंग से आके मैं फ्रेश हो गया हूँ और बस लेट भी हो गया हूँ। अभी तो 3:30 बज गए तो आई विल गो टू ऑफिस और निकलते हैं और बस निकलते हैं, लेट हो रहा हूँ जाके काम करते हैं। आई विश यू अ गुड डे गुड इवनिंग बट will you return home before the evening ends? Yes, I will try my best. Ali ke liye uski assistant mein ja rahi hu bag rakhne ke liye aur Ali ko jis kaam pe kal late hua tha even though Abriel was sick and he was playing to abhi wapas se wahi kaam karne laga. Apne joote rakh diye baba ne. Khelne ja rahe ho, kaam karne ja rahe ho? Hain nahi ehtiyat na agar game khelni pade thodi der ke liye. Kitne baje aaoge fir? अभी तो 3:30 हो रहे हैं। 6 बजे? नहीं 6 बजे तो नहीं लेकिन जल्दी आऊंगा। आपको मेरी जिंदगी की कसम अगर आप 10 बजे से पहले ना आए तो। एब्रियल को अम्मी लेके गई हैं वॉक के लिए तो मैंने ये पूरा सेटअप लगाया है वेकिंग करने के लिए क्योंकि हम लोग यूजुअली ये वाला रूम यूज करते हैं एब्रियल के लिए बिकॉज वॉक करता है तो कहीं हिटिंग शिटिंग ना हो। अभी करती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, अब मेरा हो चुका है खाना बनाने का टाइम तो मैं बनाने लगी हूँ चिकन अगेन क्योंकि ज़्यादातर सब्जियाँ मैं खा इसलिए नहीं सकती क्योंकि आई हैव यूरिक एसिड एंड आई कैन नॉट इवन ईट लेंटिल्स और वो चीज़ें। सब्जियाँ तो वैसे खा लेती हूँ भिंडी वगैरह लेकिन कब तक खाती रहूँ। करेले कल खा लिए तो मैंने कहा चलो आज ज़रा चीट वीट दे कर दूँ। फिर मैंने कहा चिकन पुलाव थोड़ा सा बना लेती हूँ हालांकि मुझे चावल भी नहीं खाने। तो चलें आज के लिए इतना कुछ नहीं होता, आप मेरी यूरिक एसिड की विधवा कीजिएगा, मैं चावल खाती रहूँगी। मेरा डिनर तो तैयार हो ही रहा है, साथ में मैंने अली के लिए भी तैयारी शुरू की है। ये सारे वेजिटेबल्स मैंने साफ़ किए हैं, दिस इज़ ककम्बर टर्निप कैरेट बीटरूट टोमेटो कैप्सिकम। तो इसका हम बनाते हैं सैलड और फिर दिखाती हूँ आपको। ब्रियल को खिलाने लगी थी मैं खाना और जैसे ही अली की गाड़ी की आवाज़ आई
तो एब्रियल उठ गया। बाबा बाबा इजी है लुक। हाय बाबा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? फिट हैं एब्रियल? हाउ आर यू? गो 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 टू बाबा, गो टू बाबा, टेक हिम, टेक हिम। ओके गो, या गो, दरवाजा जल्दी खोल बाबा। ये खाना छोड़ के आया आपके पास? खाना खा रहा था जी। मैं भी गलत टाइम पे आ गया फिर? नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम पे आया हूं आपके लिए सरप्राइज। अंदर बैठ के रो रहा है कि कब आएगा काका। सो गाइस, घर आ गए हैं और बस लाइट नहीं है, बुरा हाल है, पसीने छूट रहे हैं फुल। तो अभी ये कि थोड़ा फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं, फिर आपको अगली स्टोरी बताते हैं। तो खाना वगैरह खा लिया और फुल एंजॉय किया। माशाल्लाह मैंने तो फुल सैलेड का बाउल खाया है आज, और चावलों को टोटली ना, क्या कहते हैं, उरूज। तो बस डाइटिंग फुल हैवी चल रही है और माशाल्लाह अच्छी चल रही है। अभी बस फिर एब्रियल थोड़ा सा रैशेज हो गए उसको, तो ही वाज डिस्टर्बिंग, तो वी थॉट कि उसको बाहर थोड़ा राइड पे लेके जाते हैं, हम भी चलते हैं। और अभी हो रही है बारिश, तो बारिश के इस मस्त किस्म के मौसम में हम लोग निकले हैं बाहर, थोड़ी सी ड्राइव करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर जो है वापस जाएंगे। अनटिल देन एब्रियल भी सो जाएगा, तो घर पहुंचते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज, हम लोग राइड से आ गए हैं और एब्रियल सो गया है एंड उरूज तो कोई टीवी शीवी अभी लगा रही है, तो थोड़ा टीवी देखते हैं, काम करते हैं और उसके बाद फिर जो है रेस्ट करेंगे। आपसे अभी लेते हैं इजाज़त, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह विद द न्यू व्लॉग। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।